ऑलराइट, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25,000 में आने वाले बेस्ट ऑलराउंडर फोन्स के बारे में। अब ऑलराउंडर फोन्स का मतलब दोस्तों सीधा होता है, इन फोन्स में आपको डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा मिलता है, परफॉर्मेंस इस फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त होता है, कैमरा भी काफ़ी तगड़ा होता है और बाकी सारी चीज़ें भी दोस्तों इन फ़ोन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो अगर चाहे दोस्तों 25,000 के अराउंड आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन चाहते हैं या फिर आप डे टू डे यूजेस के लिए एक फ़ोन चाहते हैं तो किसी भी मामले में ये फ़ोन दोस्तों आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ही फीचर्स यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों का बजट 25,000 रुपये है, आप एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डेफिनेटली दोस्तों आपको एक फ़ोन ज़रूर से पसंद आएगा। तो तीन फ़ोन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, रैंकिंग भी की हुई है। तो जो नंबर वन स्मार्टफोन है दोस्तों, नंबर वन पोजीशन पर, वो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। चाहे आप अच्छी गेमिंग के लिए एक फ़ोन चाहते हैं या फिर कैमरा के लिए, सभी मामले में दोस्तों परफेक्ट ऑप्शन है। तो तब तक वीडियो में ज़रूर से रुकना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी ऐसे और वीडियो फ्यूचर में देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। खैर चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लिस्ट में जो तीसरे नंबर का स्मार्टफोन है ये आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11 Lite NE 5G। अब यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 26,000 वैसे तो इसकी प्राइस है, लेकिन इस टाइम पर दिवाली सेल है तो ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा और Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी प्राइस दोस्तों काफ़ी कम है, तो अंडर 25,000 में ये फ़ोन आपको ईजिली मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करूँ फ़ोन के बाकी के फीचर्स की तो 6.5 इंचेस की यहाँ पर FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, 10-bit कलर्स वाली ये डिस्प्ले है, काफ़ी ज़बरदस्त है और 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है। तो डिस्प्ले से ओवरऑल दोस्तों आपको कोई शिकायत नहीं होगी, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778 वाला 5G प्रोसेसर, 12 5G bands का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। तो परफॉर्मेंस से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कैपेबल है, किसी भी बड़ी गेम्स को दोस्तों ईजिली हैंडल कर लेगा वेरी हाई सेटिंग पर भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4250 mAh की बैटरी मिलती है और बॉक्स में ही आपको 33W का चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा तीन कैमरे आपको पीछे की साइड में मिलते हैं, 64+8+5 MP और 20 MP सेल्फी कैमरा है फ्रंट साइड में। याद रखना है इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट भी साइड माउंट है और सिम स्लॉट भी यहाँ पर आपको हाइब्रिड देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ 5G फ़ोन खरीदना चाहते हैं, 2-3-4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि 12 5G बैंड्स का सपोर्ट है। तो इंडिया में जब भी दोस्तों 5G आएगा तो किसी न किसी बैंड से तो इसका सपोर्ट हो ही जाएगा, तो बैंड्स के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है और बाकी के सारे फीचर्स भी दोस्तों यहाँ पर आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल 25,000 में डील गाइज आपके लिए काफ़ी बढ़िया बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की, तो ये आता है Realme की तरफ से, Realme GT Master Edition। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 25,000 में देखने को मिल जाता है, इस टाइम पर दिवाली सेल है जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो ये और भी सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार और बता दो दोस्तों, ये जो तीन स्मार्टफोन मैंने सिलेक्ट किए हैं इनमें आपको रैम को एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन मिलता है, वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट इस तीनों फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करूँ इस फ़ोन के बाकी के फीचर्स के बारे में तो 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट है। तो डिस्प्ले गाइज यहाँ पर आपको टॉप नॉच देखने को मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन 778G वाला 5G प्रोसेसर मिलता है, यहाँ पर भी 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। तो परफॉर्मेंस इस फ़ोन का भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर भी पीछे की साइड में तीन कैमरे है, 64+8+2 MP और फ्रंट साइड में है 32 MP का सेल्फी कैमरा। और इस फ़ोन का दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा 4300 mAh की बैटरी है, लेकिन साथ में आपको 65W के सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि 32 मिनट के अराउंड ही आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देता है। इसके अलावा गाइस इस फ़ोन में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज एक्सपेंड आप नहीं कर पाएंगे और जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा।
तो इस फोन को दोस्तों आप गेमिंग के लिए भी खरीद सकते हैं, डे टू डे यूजेस में भी इस फोन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इस फोन का कैमरा भी दोस्तों काफी बढ़िया है, तो आप अगर अच्छे कैमरा वाला फोन चाहते हैं तो भी ये स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी चॉइस बन सकता है। लेकिन अब दोस्तों हम बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की। अगर 25,000 के नीचे ये फोन आपको मिल जाता है तो बाकी दोनों फोन की तरफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी फीचर्स यहाँ पर आपको एक फ्लैगशिप लेवल जैसे देखने को मिलते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ Realme X7 Max की। थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं इस फोन को लॉन्च हुए इंडिया में, लेकिन अभी भी दोस्तों 25,000 की प्राइस रेंज में दूसरा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि इस फोन को टक्कर देता हो। तो यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 25,000 में वैसे तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन दोस्तों इस फोन की प्राइस अब काफ़ी कम हो चुकी है, तो 22-23,000 में भी ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है कई बार फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर, तो आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा बात करूँ बाकी के फीचर्स के बारे में, तो 6.43 इंचेस की यहाँ पर भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट है और साइड पंच होल है, दिखने में काफ़ी बढ़िया है। तो डिस्प्ले दोस्तों एकदम टॉप नॉच यहाँ पर भी आपको मिलता है। इसके अलावा बात करूँ फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि फ़ोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है, तो इसमें आपको दिया गया है MediaTek Dimensity 1200 वाला 5G प्रोसेसर, 7 5G बैंड्स का सपोर्ट है, तो फ्यूचर प्रूफ भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा इस फोन का जो Antutu स्कोर है वो गाइस 7 लाख के अराउंड देखने को मिलता है, जबकि जो पहले दोनों फोन थे उस फोन का Antutu स्कोर आपको 5.5 लाख के अराउंड ही देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस में ये फ़ोन दोस्तों बाकी दोनों फ़ोन से काफ़ी आगे निकल जाता है। और LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज है, 4500mAh की बैटरी है, साथ में 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वैसे बॉक्स में आपको 65W का चार्जर ही मिलेगा, लेकिन जो फ़ोन है वो गाइस 50W के फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी 40 मिनट के अराउंड गाइस आपकी बैटरी 0 से 100 फुल चार्ज हो जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर भी 3 कैमरे पीछे की साइड में है, 64+8+2 और फ्रंट साइड में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अलावा इस फोन में भी 3.5mm का हेडफोन जैक आपको मिल जाता है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको दिया गया है। तो नंबर 1 पोजीशन पर गाइज इस फोन को रखने का एक रीज़न नहीं है, काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले तो डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है, इसके अलावा परफॉर्मेंस बाकी दोनों फ़ोन से आपको अच्छा देखने को मिलता है, अच्छी खासी बैटरी 4500mAh की मिलती है। इसके अलावा फ़ोन का कैमरा भी दोस्तों अच्छा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अच्छा है, और ये गाइज एक इकलौता फ़ोन है जो अंडर 30,000 में आपको 12GB रैम प्रोवाइड करता हो। अंडर 30,000 में आपको इसके 12GB रैम वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर गाइज आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गेमिंग करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस फ़ोन से बढ़िया फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज में दूसरा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी बढ़िया चॉइस आपके लिए बन सकता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा फ़ोन इनमें से पसंद आया है। और इसके अलावा भी दोस्तों अंडर 25,000 में एक और स्मार्टफोन है जिसमें आपको 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, IQOO Z5, लेकिन उसे मैंने अपने अंडर 20,000 वाले वीडियो में कवर कर लिया था, इसलिए इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि इस टाइम पर उस फ़ोन पर काफ़ी बढ़िया सेल चल रही है, तो वो 20,000 में ही आपको वो फ़ोन मिल रहा है। लेकिन अंडर 25,000 में IQOO Z5 भी दोस्तों आपके लिए गेमिंग के लिए या फिर कैमरा के लिए वो स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, तो वो भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी अगर ऐसे वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कर लेना, यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। खैर मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।